बच्चों आज हम सीखेंगे क्या क्या घुलता है पानी में, पानी में कौन कौन सी चीज़ें घुल जाती हैं। पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास है तेल, नमक, चीनी, चौक। ये है पानी जो हमने इन कांच के ग्लास में करके रखा हुआ है। अब हम एक एक करके इन सभी चीजों को पानी में घोलें। सबसे पहले हमने क्या लिया है, चीनी को हम पानी के अंदर डालेंगे। ये डाला और फिर हमने चम्मच से इसको चलाया, चलाते रहेंगे, देखेंगे कि क्या ये गायब हो जाएगी या रहेगी, दिखाई देगी इसमें। अभी देखते हैं चला करके। आप देखो चीनी दिखाई दे रही है, नहीं गायब हो गई ना चीनी पानी में से। तो क्या मतलब है इसका, चीनी पानी में क्या हो जाती है, पानी में घुल जाती है। शाबाश। अब हम क्या डालेंगे, अब दूसरे कप में हम डालेंगे नमक। क्या डालेंगे, नमक। ये देखो मैंने नमक डाल दिया और फिर इसको चलाया। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद नमक जो है गायब हो जाएगा। दिखाओ, देखो इधर नमक गायब हो गया, दिखाई तो नहीं दे रहा। ये क्या है, पानी में नमक क्या हो गया, घुल गया। अब एक और चीज देखेंगे, अब मैं इस कप में थोड़ा सा तेल डालती हूँ। अब देखो क्या हुआ, इसको चला देती हूँ। चलाया चलाया, क्या हुआ, ये गायब हुआ, नहीं। ये दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है, ये गायब हो गया, नहीं। दिखाई दे रहा, इसका मतलब तेल पानी में क्या नहीं होता, नहीं घुलता पानी में, नहीं घुलता। आप कितना भी चलाइए इसको, ये पानी में नहीं घुलेगा। देखो दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी नहीं घुला। अब एक और चीज बची है, देखो मेरे पास, अब मेरे पास चौक है, मैं चौक को थोड़ा सा तोड़ देती हूँ और इसको इसके अंदर डाल देती हूँ पानी में। और फिर मैंने इसको चलाया, गायब कहाँ हुई, देखो नीचे बैठी है क्या, दिखाई दे रही है नीचे बैठी हुई। ये देखो ये भी चलाई मैंने, फिर से दिखाई दी, चलाई दिया, तो ये भी क्या हुई, पानी में नहीं घुली, पानी में नहीं। ऐसे ही आप मिट्टी डालेंगे पानी में तो वो भी नहीं घुलेगी।